दिक्कत थी एकदम जिसकी। और तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर निकल चुके हैं। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल चुके हैं। इससे पहले कवायद की जा रही थी, उनके वकील वहां पर पहुंच चुके थे। जेल से सीधे मुख्यमंत्री आवास पर केजरीवाल पहुंच रहे हैं। तिहाड़ जेल से केजरीवाल की रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को बड़ी राहत दी। आम आदमी पार्टी कार्यालय से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव लगातार जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तिहाड़ जेल से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। तिहाड़ जेल से फिलहाल अरविंद केजरीवाल बाहर निकल चुके हैं और वो सीधे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास पर। जबरदस्त जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। उनका कहना है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए ये बड़ी राहत दी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पिछले कई दिनों से शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे और इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उन्हें बड़ी राहत मिली है। 1 जून तक जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, तिहाड़ जेल के ठीक बाहर से ये तस्वीरें हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल निकलते हुए गाड़ी में जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यहां से सीधे वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि ना वो दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं, ना ही खुद के कार्यालय जा सकते हैं, ना ही इस केस के बारे में कोई चर्चा कर सकते हैं, ना ही गवाहों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई और रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल पर। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि वो प्रचार कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार उनके जमानत की मांग भी कर रहे थे, इसे लेकर कई बड़े आरोप भी लगाए जा रहे थे सत्ता पक्ष पर। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुना दिया है। हालांकि ईडी ने कहा था कि जमानत नहीं दी जा सकती, चुनावी प्रचार वो नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जहां पर पहली तस्वीर तिहाड़ जेल के ठीक बाहर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकलते हुए सीधा मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और दूसरी तस्वीर वो जश्न की तस्वीर। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में सड़कों पर झंडा लिए निकल चुके हैं और यहां पर केजरीवाल के जयकारे गूंज रहे हैं इस वक्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है, जमानत पर वो जेल से बाहर निकले हैं। 1 जून के बाद 2 जून को दोबारा से उन्हें रिपोर्ट करना होगा। लेकिन उससे पहले ये जो बीच का दिन है वो बड़ी राहत की बात है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकेंगे। लगातार वो दिल्ली से ही अपनी सरकार चला रहे थे और ऐसे में बड़ी राहत मिली है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। जेल से सीधा सीएम आवास जाते हुए उनकी ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत दे दी गई है। 2 जून को दोबारा से अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बड़ा फैसला हुआ है और अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट से कम की सुनवाई के दौरान केजरीवाल को राहत दे दी गई। लगातार शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी सख्ती बरत रही है और लगातार कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो अपडेट लगातार आपको बता रहा है अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की, जहां पर अब वो सीधा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर पहुंच चुके हैं तो उनका स्वागत किया जाना है। सीएम आवास को सजा दिया गया है। कुछ ही देर में वो तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि जब वो सीएम आवास पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से भव्य स्वागत किया जाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, वो खास तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तिहाड़ जेल से ये पहली तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलते हुए सीएम आवास की ओर पहुंच रहे हैं, तो वही दूसरी तस्वीर सड़कों पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आप देख पा रहे हैं। आप कार्यकर्ता इस फैसले के बाद से ही बेहद
खुश नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप दफ्तर से है, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ भी की जा रही है। तो लोग आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज की ओर से ये टिप्पणी भी सामने आई, एक कर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अच्छा है, यहाँ पर लोकतंत्र की जीत हुई है। तो हालांकि ईडी की ओर से कोशिश की गई थी कि जमानत ना मिले अरविंद केजरीवाल को, पैरवी में कहा गया कि जमानत चुनावी प्रचार के लिए देना ठीक नहीं, इससे पहले इस तरीके की जमानत नहीं मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो दलीलें थी उन्हें इनकार करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, 1 जून तक जमानत मिली है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 दिन बाद शाम 6:55 पर तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है, उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब मामले में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद थे, यानी कि अगर जोड़ा जाए तो कुल 40 दिनों तक वो तिहाड़ जेल में ही बंद रहे और उनकी रात बड़ी ही मुश्किल से गुजरी। शुरुआती तौर में जो तस्वीरें सामने आई वहां पर अरविंद केजरीवाल बेहद परेशान भी नजर आए। तो अदालत ने आज दोपहर 2 बजे ये बड़ा फैसला सुना दिया। हालांकि उनके वकील ने 5 जून तक की रिहाई का अनुरोध भी किया था, उनका कहना था कि 5 जून तक रिहाई नहीं दी जा सकती है जब तक लोकसभा चुनाव है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में 2 जून को रिपोर्ट करना होगा। ब्लैक गाड़ी के अंदर ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहली सीट पर बैठे हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, साफ तौर पर जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से, क्योंकि ईडी ने पूरी कोशिश की कि ये जमानत ना मिले, लेकिन ईडी की सभी दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दे दी। अंतरिम जमानत का आधार कोर्ट ने कहा कि 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया, उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया, 1.5 साल तक वे कहां थे, गिरफ्तारी के बाद में पहले कैसे हो सकती है, 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने यह दलील देते हुए बड़ी राहत दे दी अरविंद केजरीवाल को। तो ईडी की अंतरिम जमानत के विरोध में 2 दलीलें थी। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों दलीलों को दरकिनार करते हुए, खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। इसके बाद से ये जो तस्वीर सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जश्न मना रहे हैं, दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और लोकतंत्र की जीत भी बता रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है, 50,000 रुपए का उन्हें जमानत बॉन्ड भरना होगा, कोर्ट की ओर से ये भी आदेश है। और इसके साथ साथ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, कई सारे रोक है अरविंद केजरीवाल पर, जिसके बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली से सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, कुछ ही समय में सीएम आवास पर पहुंचेंगे, क्या तैयारियां वहां पर और क्या माहौल? जी देखिए, सीधे तौर पर एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को जरूर है, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। और इस पूरे मामले में अगर राहत के तौर पर देखें तो केवल चुनाव प्रचार के लिए ही अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। हालांकि जमानत के दौरान कई शर्तें लगाई गई हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसमें कहा गया है कि वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर बिना एलजी की अनुमति के साइन नहीं करेंगे। तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए ही बाहर आएंगे, लेकिन ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से जो फिलहाल इंडिया गठबंधन है उसको एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। और इसके राजनीतिक मायने ज्यादा होंगे, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमलावर जरूर दिखेंगे, क्योंकि